यार मेरे हाथ में इस टाइम है परफ्यूम और शैम्पू, जो कि अभी हम ना इस्तेमाल करने वाले हैं। वो किस लिए, नीचे चल के आपको बताता हूँ। बाकी इधर सब कुछ ठीक है ना, गंजा कातिल भी ठीक है, सबको ठीक है भाई। अभी हम क्या करने वाले हैं यार, फियोना को भी नहलाने वाले, जैसे हमने ऐज को नहीं परसों नहलाया था, आज वैसे ही फिरोना को नहलाने वाले हैं। तो उधर फाउंटेन में ही नहलाना था, छत पर। छत पर हाँ, डायरेक्ट धूप है ना, फिर सही रहेगा। अच्छा, सुस्त भी है ना। ओके, डायरेक्ट ठंडे पानी में और छांव में नहीं लेके जाना चाहिए। ओके, धूप में। ओके भाई, ओके ठीक है। धूप प्रॉपर निकली हुई है, तो फियोना को ना अभी इसी धूप में नहलाएंगे, क्योंकि इस धूप में सही से नहा लेगी, इसको ठंड भी नहीं लगेगी। नल खोल दो। चलो भाई, नल खोल दिया मैंने। हाँ जी, हाँ भाई, फियोना कैसा फील हो रहा है? कैसे हैं आप सब? ठीक हैं यार, काफ़ी महीनों के बाद फियोना नहाई है और इसको नहलाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि आपको पता है कितना बीमार हुई थी। अब ये फ्रेश हो गई है। सिपैन, इसको कुछ घंटों के लिए ना इधर बंद कर दो, क्योंकि यार फियोना और ऐश के घर की सफाई भी करनी है। अगर फियोना को हम वापस उसी जगह अभी लेकर चले जाएंगे तो सारे जरासीम फिर इसके ऊपर लग जाएंगे, तो फ़ायदा नहीं है फिर नहलाने का। सिपैन चलो इधर बंद कर दो, ऐसे ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी है। ऐश इतना साफ नहीं हुआ था जितना ये हुई है। ध्यान से यार सिपैन। चलो फियोना, यहाँ पर रहो कुछ घंटे, ऐश नहीं ये जो यहाँ से निकल लेगी। क्या पता ये भी उसकी तरह हो, उसके नहीं, साथ नहीं, मुझे यकीन है फियोना पर, फियोना ऐसे नहीं करेगी, है ना फियोना? आज ब्लैकी ब्लैकी, ये लो तुम्हारा बर्तन नहीं मिल रहा मुझे, ऐसे भी खा लेगी, ये कोई छुनी है। तो यार अभी मेरे हाथ में बाल्टी और मग्गा है, हमने क्या करना है, सफाई करनी है फियोना और ऐश के घर की। सेफ रूम में आते ही ना बहुत अच्छा फील हो जाता है। सर्दी में जब अंदर आते थे गरम गरम फील होता था, और जब इतनी धूप, तेज धूप में अंदर आया हूँ ना, सुकून सा मिल गया। और मैं देख लेता हूँ यार सब ठीक है ना। यार क्या कर रही है गंजी मुर्गी यार, हर जगह ना इसने सुराख किए हुए, वहां पर देखिए यहाँ पर सारे। ओए क्या हुआ भाई, एक कबूतर मरा हुआ यार यहाँ पर बेचारा। अरे हाय यार, ये मर गया है भाई साहब। यार एक चूजा भी मरा हुआ है, गंजी मुर्गी जो बीमार था ना, मेरे ख्याल में वही चूज है। तुमने तो नहीं मारा इसने? नहीं, क्योंकि यार दरवाजा तो बंद है, तो बाहर था वो। ये खाना है क्या तुमने? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये चूजा नहीं मिलने वाला तुम्हें, सॉरी। ये वाकई खाएगा यार ये तो? नहीं भाई, ईगल नहीं, जाओ यहाँ से। इसीलिए ना किया, मुझे लगता है इस पे शक हो रहा है मुझे। ये दरवाजे खुले हुए हैं ना, लेकिन अगर इसने हमला किया होगा ना, ये खा भी तो सकता था अभी, जैसे खाने के लिए आ रही है। देखें ये, वो गंजी मुर्गी, ईगल के पीछे। ये क्या हुआ है? अपने बच्चों को बचाने के लिए भाई, हालांकि ये मर चुका है, मेरे ऊपर हमला नहीं किया इसने आज तक, मैंने इसका बच्चा उठा हुआ है इसको, लेकिन ईगल जब इसके पास आ रहा था ना, ईगल के मर गए यार। ये मरा हुआ था, ये पहले से मरा हुआ था। ये भी नहीं, सिर्फ एक और भी चीज है, ये कबूतर बीमार था शायद, इस वजह से मरा हो। दो चीजें मरी हुई है अभी। हाँ, उसकी वजह से हुआ यार, जिसने हमला किया था ना गंजे मुर्गे ने, हमारे कातिल ने, इस बच्चे को आज जो है ना मर गया वो बेचारा। ले आओ तो आप। ओके, ये भी डालो और ये भी डालो। ये आ गया भी डेटोल। ओ भाई ऐसे। तो अभी दोस्तों हम ऐश और फियोना के घर को अच्छी तरह से साफ करने वाले हैं, ताकि ऐश भी फियोना के साथ आराम से रह पाए, उसको वायरस ना चिपके। चल करो भाई, करो सफाई करो। तो यार मैं सफाई नहीं कर रहा, क्योंकि यार मैंने अभी चेंज किया था थोड़ी देर पहले, तो आपने चेंज नहीं किया था, मैंने कहा तुम ही साफ कर लो यार, नहीं तो मुझे दोबारा नहाना पड़ जाएगा। ये बंद कर लेते हैं यार। तो यार पाइप से तो सफाई हो चुकी है, पाइप गया उधर घास में और ऐसे। गुड, अच्छी तरह सफाई करो, अच्छी तरह। यार दोपहर में अक्सर लोग कहते हैं पानी नहीं देना चाहिए घास को, क्योंकि पानी फौरन खुश हो जाता है धूप, क्योंकि तेज होती है।
लेकिन हम फिर भी दे देते हैं, हम कहते हैं यार चलो थोड़ा बहुत तो पानी जाएगा ना पौधे में, तो जल्दी इनकी ग्रोथ हो सकती है। और ईगल साहब भी यार धूप में बैठे हैं, पता नहीं क्यों यार, इसको मैं पानी डाल देता हूँ, ठंडा हो जाएगा। हाँ भाई ऐसे भाग गया। इसको मैं उठा के छांव में बिठा देता हूँ क्योंकि ये गलत जगह है। अभी मजीद तेज गर्मियां होंगी तो क्या मतलब, फिर यहीं पे बैठा रहेगा क्या? नहीं, मैं इसकी जगह चेंज करता हूँ। ओ यार गिर रहा है। चलो भाई यहाँ पर सही है, ये यहाँ पर छांव भी है और यहाँ पर गंजी मुर्गी भी नहीं आएगी। कर ली साफ? हो गया, साफ हो गया। दीवारों पर भी सारा स्प्रे कर दिया। ओके, भी साफ कर दिया। ओके, बहुत अच्छा किया। छत नहीं की सकते हैं? छत ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि छत का फायदा नहीं, ऊपर तारे हैं सारी चिपके हुए। अल्लाह करेगा यार, हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है दोस्तों, बाकी अब क्या करें, जो हुआ फिर वो नसीब, देखा जाएगा। ठीक है सब। यार अभी अभी मैंने देखा ना, फियोना ने वहां से मुंह निकाला हुआ था, मतलब वो बाहर निकल आई है। हाँ, वो इधर से देखा मैंने, मुंह निकाला हुआ था उसने। चलो उसको उठाते हैं। ये तो ऐश की तरह, भाई ऐश की तरह की है इसने भी। अच्छा लेकिन यहाँ से मुंह निकाला हुआ था उसने ना, मिनी जू को देख रही थी। हाँ, हाँ। ऐश था ना, वो क्या करता था दोस्तों, नीचे चला जाता था और गैराज में घूम रहा होता था, लेकिन फियोना ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हाँ फियोना कैसी हो? ये सारा काटा हुआ है इसने अपने मुंह से। चलो फियोना जाओ साफ घर में। चलो ये देख रहे हो सिप्तान, कितना प्यारा घोंसला है। इसको तकरीबन 2 हफ्ते होने वाले हैं। हाँ। मैंने देखे और इसमें ना 4 अंडे थे। ठीक है, अभी नहीं है ना अंडे, है ना चिड़े है यार। फिर कहाँ गए यार? पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैंने इस घोंसले की ना वीडियो नहीं बनाई, नहीं तो क्या होता कि बच्चे, मुझे डर था कि बच्चे देखेंगे ना वीडियो। हाँ। फिर इस घोंसले पर पहुंच जाएंगे, तो मैंने ना छुपाया रखा। लेकिन आज मैंने देखा ना चिड़िया ना अंडे ना कुछ, पता नहीं क्या हुआ यार, ऐसा गिर गए अंडे, पता नहीं क्या हुआ। इसमें अंडे थे 4 और एक चिड़िया थी, देखा है तुमने? है वो देख, सही बताओ यार तुम। मैं सुबह आया हूँ, मुझे क्या पता। सुबह आया हूँ? 4 दिन से 5 दिन से इधर घूम रहे हो तुम? मैं तो सुबह सुबह आया हूँ। किसी और के पे शक है आपको? आजाद है तुम। वो बैठी है शाम, वो ऊपर। हाँ, वो वाली है। यार शेयान ने देखा वहाँ पर एक चील बैठी हुई है, वो हमारी नहीं है। वो तो वैसे ही है, वो तो हमारी चील तुराब चाचू के पास है। वहाँ पर एक जंगली चील बैठी है, शेयान ने सुना हमारी चील उड़ के वहाँ चली गई है। भाई हमारी चील नहीं उड़ने वाली, हम उड़ा उड़ा के थक गए हैं, वो नहीं उड़ती, उसका दिल ही नहीं करता उड़ने का। यार ये मुर्गियाँ ज्यादा आने लगी हैं यहाँ पर मछलियों वाली जगह पर, ऐसा क्यों करती हैं ये? मेरे ख्याल में तो भाई इन्होंने मछलियाँ खा भी ली होंगी। मछलियाँ गायब हैं भाई, 1-2 बची हुई हैं बस। ये सारी मुर्गियाँ आती हैं और खा जाती हैं यार मछलियाँ। हमारे पास और जगह भी नहीं है मछलियाँ रखने की, यहाँ पे भी नहीं रख सकते। अब यहाँ पे रखा था, वहाँ पे भी मुर्गियाँ पहुँच गई, अब खाने लग गई। ये पानी गंदा हो गया, चेंज कर लें शान? चेंज करते हैं यार पानी। अभी पानी भर रहे हैं, फिर तुम नहा लेना उसमें, इस गंदे पानी में जा भी नहीं रही थी। जो ही पानी कम होने, कचरे तैरना ही भूल गए यार, ये देखें बेचारे तैर भी नहीं पा रहे। थोड़ी देर में पानी फूले जाएंगे ना, फिर खुश हो जाएंगे। फंस गया, ये प्रेशर आ रहा है ना यहाँ पर, फंस रहा है उधर जा रहा है प्रेशर से, ये देखें। इसको इधर कर लेते हैं, तुम भी जाओ। खैर मैंने फाउंटेन को साफ कर लिया है, अभी थोड़ा सा भर जाए यहाँ तक, फिर डक्स को छोड़ देंगे। हाँ ये कहाँ से लाए हो? मुर्गी ने दिया, पक्की बात है? डक्स का भी हो सकता है ये, पता है? इस मुर्गे का भी हो सकता है। मैं ही देख लेता हूँ यार, कोई भी अंडा नहीं है भाई इधर। जो जगह पर आई है वहाँ अंडे नहीं देते ये लोग, उल्टी सीधी जगह पर दे देते हैं। वो लगा लगा लगा, इसलिए कह रहा था उल्टे काम नहीं करते होते। मजा आया? नहीं आया मजा? आया होगा, थोड़ा थोड़ा तो आया होगा। आया है ना, दोबारा करना है? नहीं। यार हमारे पिजन्स ना, मुझे लगता है ये डरबा छोड़ चुके हैं। इसकी हालत से भी ऐसा लग रहा है, ऐसे मट्टी मट्टी सा फील हो रहा है, कि जैसे काफी दिनों से ना इसमें कोई कबूतर नहीं गया। और मैं नोट भी ये कर रहा हूँ, तो आप भी कह रहे थे, देखिए सारे कबूतर रात भी यहीं पे बैठे रहते हैं, दिन में भी इधर बैठे रहते हैं, पता नहीं यार क्या वजह है। मुझे लगता है हमारे ऐश की वजह से ना ये डर गए हैं। जब से हमारा ऐश इधर आया ना, कबूतर नीचे नहीं आते इस जगह पर, इधर बैठे रहते हैं, यहाँ पर भी आते हैं, इसके अंदर नहीं जाते। पता नहीं यार अब ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। मुर्गियों के लिए क्या चीज़ है, मुझे दो। ये रोटी है। अभी इसको तोड़ना है, ऐसे थोड़ी डाल लेंगे। ये देखो पागल, पागल मुर्गियों। एक मिनट नहीं हो रहा मुझसे, ये अब आएगा ना मजा। खाओ खाओ खाओ, सब खाओ सब खाओ। मुर्गी इसके अंडों को नहीं पालने दे रही, सारे अंडे तोड़े हुए थे उसने।
किसने इसने इसने नहीं इसने मेरे ख्याल में इसने खर्च मारी है कोई गंजी मुर्गी दूसरों के अंडे को तोड़ रही है। हाँ, और सारे काले हुए पड़े यार मेरे ख्याल में अंडे खराब हैं। निकालो भाई इसको, बस छोड़ो, बहुत इंतजार कर लिया हम, खुश थे डक्स के बच्चे आएंगे लेकिन कुछ नहीं होने वाला। पड़ा था स्मेल है इसमें बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल में खराब है सारे अंडे, उठा दो ये सारे अंडे, उठा दो ऐसी बेचारी बैठी हुई है। या फिर इसके करते हैं, हां इसको आजाद कर देते हैं अंडे उठा के, इसको नहीं इसके नीचे और अंडे नहीं रख सकते किसी और चीज के, लेकिन यार किसी और के अंडे हैं भी नहीं, वैसे भी खराब हो जाते हैं सारे अंडे, छोड़ो वैसे तंग हो रही है बेचारी, इसका कुड़क तोड़ देते हैं। तो ये सारे अंडे टूटे हुए भाई जान, ये देखो ये काला फुल पड़ा हुआ है, ये देखो। हाँ कहाँ है अंडे, है ही नहीं, कहाँ बैठोगी, छोड़ दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खा लो के खुद ही या तोड़ के दूं तुम्हें, खा ही लेगा यार, इतना तो आ जाना चाहिए इसको। अब मुझे पता था यार ये लोग नहा रहे होंगे और पानी भी यहाँ तक हो गया तो इसमें ये नहा सकते हैं, कहाँ डर क्यों गया मुझसे, चलो नहाओ मैं साइड पे हो जाता हूँ यार, तुम्हारे लिए तो भरा है। मेरे ख्याल में काफी टाइम से नहा रहे होंगे जिसकी वजह से ना ये मेरे आते ही भाग गए यहाँ से, इनका दिल भर गया होगा, नहीं तो पानी को छोड़ते नहीं है, इतनी मेहनत की है मैंने लेकिन देख ही नहीं पाया। तो रात हो चुकी है दोस्तों और हमने अभी सारी मिनी जू की लाइट्स को ऑन कर दिए हैं और अभी हम फियोना और ऐश को खाना भी देंगे और यहाँ पर सारा पानी भी हमने लगा दिया है। तो ये थी जल्दी से जल्दी ये घास हो जाए और मैं लेट जाऊँ ऐसे ही हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको नहीं अच्छी लगी होगी यार, आज बैड न्यूज थी, हमारा गंजा चूजा भी एक मर गया और एक कबूतर भी मरा हुआ था वो भी बीमार था। तो बस मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। काम रहते हैं यार अभी थोड़े बहुत, क्यों ना कि चावल बॉयल हो गए, वो भी देना है, उसको भी खाना देना है और पानी छानी भी देना है अभी काम। नहीं यार पानी छानी वगैरह मैंने दे दिए, सिर्फ फियोना का खाना लेके आना, अभी चावल बॉयल होंगे कच्चे होंगे। हाँ ना, पाइप उठाओ यार, ये अब्दुल्ला पाइप उठा के यार ये तो रख दो यार, मैं बहुत थक गया हूँ यार, अंदर रख ये अंदर रख दो मिनी जूम में ना, मैंने पानी सबको दे दिया।